गाइज वेलकम माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज कितनी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा आज शेविंग करानी पड़ेगी क्योंकि शेविंग से ना यार चेहरा थोड़ा वैसा लगे लगे ना, और थोड़ा थक और गए यार, थोड़ा कमजोर हूँ। गाइज रसोई में चलते हैं, क्या बनाया मम्मी ने आज? सत्ती दादी है दाल और इसमें मलिदा के पिंडा। तो गाइज तो फिलहाल खा लेते हैं मलिदा, तो चलते हैं दाल ले लें कटोरी में। और गाइज खाना वाना तो हो गया है और फिलहाल चलते हैं पहाड़ दर्शन करने। आज चलते हैं अपने सिद्ध बाबा के मंदिर पर दर्शन करने जाते हैं। हाँ तो गाइज आज सिद्ध बाबा के मंदिर पर हम दर्शन करने चलते हैं। मुझे बहुत दिन हो गए, करीबन हो गए 3-4 साल, तो जब जाएगा वो फिलहाल चलते हैं मंदिर पर। सिद्ध बाग मंदिर पर सिद्ध बाग की मूर्ति और प्रधार दी गई है, पहले से ही नाम कुछ भी और नई चीज। और चलो कर चलते हैं दर्शन करने से। और गए चलते हैं, चलो मंदिर की रास्ता में हम पहुंच गए, आधे से हमें पहुँचने वाले हैं, थोड़े दूर हैं क्योंकि थोड़ा सा दूर ही है, क्योंकि गाँव में यार ब्लॉगिंग में बड़ी दिक्कत हो गई, पब्लिक लगा है क्या कर रहे हैं, क्या है चूतिया पंथी यार, घर के भी सीधे हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर पाया। तो मैं पहुंच गया हूँ फाइनली मंदिर के पास। तो ये देखो बैग्स, हमारे सिद्ध बाबा का मंदिर, काफ़ी दिन हो गए मैं इनकी, चलो दर्शन कर आते हैं आज। पेड़ था यहाँ पे, और ये हमारे सिद्ध बाबा की मूर्ति जो अभी साल भर हो गए अभी पधारी गई है, ये देखो। और यहाँ कुंडा साइड में ये देखो, फिलहाल चलते हैं अंदर दर्शन करने। आता नहीं तो मैं नहीं आता पानी के पास, क्योंकि मुझे डर लगता है यार आने में। और चलते हैं पल्ली साइड दर्शन करने भोले बाबा के, ये देखो बड़ी घंटी, ये देखो गाइस पीछे ये कुंड बिल्कुल पक्का है, कई बार साफ करके भरा हुआ है बिल्कुल मस्त। और होली वाले दिन खूब भीड़ रहती है यहाँ पे, और ये भोले बाबा के कर लेते हैं दर्शन। Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. ये है हमारे मंदिर का पुराना अखाड़ा, लेकिन फिलहाल तो कुत्ते नहीं है लेकिन अखाड़ा बना रखा है बहुत पहले। और गाइज आगे चलते हैं, ये हमारे जो महाराज जी थे उनकी पुरानी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे, अभी कुछ दिन पहले, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी पधारी गई है। और गाइज ये हमारे भोले बाबा का मंदिर पे, बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ माता रानी आगे देखो,
ये माता रानी अंदर फिलहाल गेट लगे हुए हैं, सैटरडे खुलते हैं। और ये हमारा मेन मंदिर है, हाँ अभी पट बंद है, किसी दिन फिर दिखा पाऊंगा मैं आगे। अब फिलहाल ये हमारा ग्राउंड है मंदिर का, ये देखो मैंने आपको दिखाया मंदिर के। हाँ मैंने भी दर्शन करे, और हमारे गांव का बहुत फेमस बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही नामी, और कृपा भी बढ़िया सिद्ध बाबा की। और गाइज मैं आता रहता हूँ उनके, आज मंदिर का व्लॉग शूट करते हैं। और गाइज अब फिर के तो हमने अंदर दर्शन कर लिए, जैसा कि आज काफ़ी दिनों में आया था वो ग्राउंड और खाली हो गया। मैंने आपको एक चीज़ और नहीं दिखाई, ये देखो पीछे साहब, मैंने बताया था ये पूरा की किर वगैरह है मंदिर थे, पहले पल्ले वाले गेट से जाते थे। और ये दिखाता हूँ आपको, खाली हो गया, ये पेड़ वगैरह सारे काट दिए हैं। ये देखो ये कुछ हमारे मंदिर का ग्राउंड, ये और ये प्यारा कलर कितना मस्त लग रहा है मंदिर का, बहुत ही ज़बरदस्त देवता बने हुए हैं ये। और ये इसका मेन गेट। तो गाइस जब चलते हैं।